के आवाज पे या मसल में एक ऐसी शराब पड़कर चल गई जिसने रोड आर्ट्स बहुत थे बाज जुल को हम बड़े गुस्से से देखते हैं कि आज उन्होंने क्या शुरू कर दिया नया मुश्किल बातें लेकिन मुश्किल बात को समझना और कल अपने अकीदे के इस्तेमाल के तौर पर पेश करना बहुत जरूरी है। मसलन इधर एक पीर साहब थे कोई नाम लेना हमारे समय सुनने का हमारा मकसद किसी को बदनाम करना तो आया नहीं। वहां पर महफिल में कुछ करामात बयान कर रहे थे कुछ अपने कुछ अपने बुजुर्गों की कुछ पीरों की कुछ अपने हकीकतों की तो वहां पर बयान कर दिया थे कि वली अल्लाह के अंदर ये कुव्वत मौजूद होती है कि वो मौत को टाल सकता है। अब वहां पर एक नौजवान खड़ा हो गया महफिल में कहने लगा जनाब आप ये बताएं कुरान पाक में लिखा हुआ कि जब मौत आती है तो एक साथ ना पहले आ सकती है ना बाद में एग्जैक्ट उसी वक्त पर आती है किस तरह की हजार जहां अजर हूं लाजिस्ता खेरो ना सातन वलाजिस्ता खेरो वलाजिस्ता खेरो कि जब मौत आती है तो वो एक नमा ना पहले ना बाद कुरान ये कह रहा है आप ये कह रहे हैं चलो अब उन पीर साहब को अपनी पीरी के दौरान मारे जा रहा है जी कि जनाब पसंद में जो सवाल आप कर रहे हैं ये हमारे प्रोफेसर साहब हैं ये इस तरह के सवालों के जवाब बहुत देते हैं तो ये नहीं करना सवाल जवाब जवाब सवाल। हमारे अजम के रफ इमरान साहब फरमाया करते हैं कि फकत बासवाल में भी शवाल सिर्फ सवाल करने से ही बात नहीं बनती और बेसवाल हमने भी शायद और बिना सवाल के भी बात नहीं बनती ठीक है। दोनों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी अहम है। सिर्फ सवालों पर गुजारा करना भी गलत है और सवाल का जवाब देने के नाकाबिल होना ये बहुत बड़ी इंसान में खामी होती है। इसलिए अकीदा एक पहले और बुनियादी शब्द है अकीदा से ही ना अकीदा की क्या डेफिनेशन आसान तरीन लफ्ज में लाइन ऑफ एक्शन ठीक है रोड मैप ठीक ये आसान तरीन अकीदा यानी बस इसको डिस्क्राइब करते हुए लोग पता नहीं इसलिए क्या क्या हमारा बयान कर जाते हैं आसान तरीन रोड मैप लाइन ऑफ एक्शन जो आपका जो जहनी लेवल है जिस पर आपने आता काम करना है वो उसका उसका प्रोसीजर ही काम क्या कहेंगे किस तरह डिस्क्राइब करेंगे ये काम क्या है किस तरह होता है कैसे ये अकीदा। तो अभी हम डिस्कशन ये कर रहे हैं कि जनाबे हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक में और आपको याद होगा ना ये बात आपने कहां से चलाई थी कुरान पाक का नजूल है एक वजीर नजूल तरतीबी नजूल की बात कर रहे बराबर चार किताब में वो तो आना शुरू कर देता एक नजूल तरतीबी और एक नजूल तौकीफी ठीक है कुरान पाक की बात करते हुए और एक नजूल मोहम्मदी नजूल मोहम्मदी की बात कर रहा इस पर आपने आना है हमने आना है। बस ये चल रही है कि जब हजरते अंबिया किराम अलैहिस्सलाम वस्सलाम उनसे अहद लिया गया तो ये जो रिकॉल करने के लिए कहा जा रहा है वो किसे का ये बात हमने यही से चलाई है कि नबियों से एक अस्तिया वो अहद ले रही है और दूसरा अंबिया की हस्तियां हैं जो ऐद दे रही हैं और याद किसे कराया जा रहा है ये बात है गवाह किसे लाया जा रहा है बिल्कुल सही ठीक है लेकिन वाइज आएगा जब वक्त की बात होगी तो याद करो उस वक्त याद क्यों करो
किसी बात का तुमने गवाही दे दी है, ठीक हो गया। बिल्कुल। उस पर फिर हमने कहा कि ये वो लोग कि जो गवाह बने या जिन्हें खुदावंद के करीब गवाह बनाने का इरादा रहते हैं या गवाह बनना चाह रहे हैं कि ये गवाह बने, उनके बारे में कि जब उनके जद्दे आला को पैदा किया गया, हर नबी और दोनों ग्रुप्स के जद्दे आला जिनसे ऐद लिया गया उनके भी जद्दे आला, और जो ऐद को देख रहे हैं उनके भी जद्दे आला, जब उसको पैदा किया गया तो उस वक्त परवरदिगारे करीम ने जो मंजर खुद कुरान अजीम में बयान फरमाया वो क्या था, इस पर बात होगी। फरिश्तों ने दलील इबादत पेश कर दी कि मौला करीम जो इनको बनाने का इरादा है या बनाया है और आयदा को यूं फैलाने का इरादा है, तो इस सूरत में हम मौजूद हैं, हम तस्बीह भी करते हैं, हम तहमीद भी करते हैं और हम तकदीस भी करते हैं। वैसे बनाने की क्या होती है, तो जमीन का फसाद फैलाएगा। एक दलील आपने ये भी ट्रेस की कि फरिश्तों को मुस्तकबल का इल्म था, मुस्तकबल का था अच्छा कि मुस्तकबल में क्या होने वाला है, ठीक है अच्छा। लेकिन जिस चीज को परवरदिगारे करीम ने फरिश्तों की दलील के सामने बतौर इम्तियाज आजम आदम पेश कर दिया वो क्या था, वो सारे अस्मा का इल्म था। अब फिर हमने इस्म पर बात की कि इसमें है क्या शायद, बिल्कुल जिसका इस्म नहीं वो वजूद ही नहीं रखती, जिसका इस्म नहीं वो मौजूद ही नहीं, बिल्कुल सही, जो मौजूद है वो इस्म रखता है। इधर सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या बयान है जी का मतलब क्या, हर शायद जो मौजूद है उसका इस्म, हर शायद जो मौजूद है उसका इस्म है, जिस शायद का इस्म नहीं है वो मौजूद नहीं है, इनको दोनों तरफ से बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि सारे आसमान दे दी का मतलब तमाम मौजूदात का इल्म दे दिया कि ये चीज भी है। अच्छा जनाब, आप ये बताएं कि इसमें क्या है, और हमने फिर इसका जवाब तलाश किया कि इसमें वो है कि जिस की साख्त उस शय से बनी हो जो उससे मुताबिक रखती है, रेलेवेंस ऑफ साख्त मटेरियल कॉज, फिर सूरत उस शय से मुताबिक रखती हो जिसका जमीन बनी थी उसको फिराना था तो गोल बनाई ना, बिल्कुल, अगर ये लंबी होती डंडे की तरह तो क्या इसकी ये सूरत बनती जो हम देख रहे हैं, नहीं नहीं, ठीक है। अला हाजर क्यास, अगर दरख्त है तो उसकी सूरत जड़ें ऊपर होती है और शाखें जमीन के अंदर होती है, तो फिर ये जड़ें बन जाती है वो शाखें बन जाती सूरत और हो जाती, हर चीज में उसकी एक सूरत मुकर्रर की गई और उस सूरत पर उस चीज को बनाया जिसका फॉर्मल कॉज, ठीक है। उसके बाद तीसरी इल्लत फाइली कि उसके जो काम है वो उससे वो काम हो रहा है कि नहीं, मसलन कोई फल का बूटा है आपने लगाया वो फल देगा तो फलदार कहलाएगा ना, और बूटा मौजूद हो और फल ना दे इल्लत फाइली खत्म हो गई, किसी काम का ना रहा, उसकी प्रॉपर फंक्शन के लिए उसकी इल्लत फाइली का होना जरूरी है। इसके लिए बतौर सब्जेक्ट अगर आप उसको डिस्कस करते हैं सब्जेक्टिव कॉज कहेंगे, और अगर ऑब्जेक्टिव से लेंगे तो ऑब्जेक्टिव कॉज, यानी इसका ऑब्जेक्टिव ये है आपके, बिल्कुल सही। और उसके अलावा आले मंत्रिक ने एक और स्पष्ट किया है, उनकी एक ही टाइम में दो गुफ्तगू कर दिया पड़ी है ना, एक अंग्रेजी है मतलब है, एक भी है, ठीक है। और उसके बाद है एक लफ्ज दिया उन्होंने एफिशिएंट कॉज, इल्लत फाइली के लिए मंत्रिक वालों ने मंत्रिक के सामने दो किस्में, ठीक है, मंत्र की बड़ी बड़ी दो किस्में, एक मंत्र के इस्तिखराजिया, एक मंत्र के इस्तिखराजिया, ठीक है, दो किस्में। मंत्र इस्तिखराजी यह है कि आप दलायल दे दे करके नतीजा निकालते हैं, उसका है इंडक्टिव नॉलेज लॉजिक, यदि आपने कहा आप कहते हैं असद
एक पढ़ा लिखा आदमी है, एक असद ढेर आदमी है, दो अच्छा असद अच्छे खानदान से है, तीन जीरो बाकी नाराज में विषय आगे चढ़ी गया। ठीक हो गया, अब भाई मुसा चौसा भाई से कमी है तो ठीक है। अब साथ कहते हैं असद अच्छा दोस्त है, दोस्त हो गया, असद सखी है। ये सारी बातें जमा करके जो नतीजा निकाला वह एक असद एक अजीम आदमी है। ठीक है, यानी बातें पहले की और नतीजा बाद में अर्ज करते हैं। इस्तिखराज, इस्तिखराज बताए इस इनार या है इंडक्टिव मंतक इस्तिखराजिया। ठीक है, अच्छा एक होता है मंतक इस्तिखराजिया, यानी बात पहले का। बस आप कहते हैं कामरान एक बहुत अच्छा आदमी है, ठीक है, क्यों कि वो हर वक्त मुस्कुराता रहता है। ठीक है, कामरान एक अच्छा आदमी, किसी के लिए बदुआ नहीं करता। कामरान एक अच्छा आदमी, हर वक्त इल्म हासिल करता रहता है। कामरान एक अच्छा आदमी है, वो बुजुर्गों का अदब करता है। बात पहले की और दलाइल बाद, इसको कहते हैं मंतिके इस्तिखराजिया, डिडक्टिव एनालिसिस। वो है इंडक्शन, ये है डिडक्शन। ठीक है, बिल्कुल सही। तो हम जो जिस पैटर्न पे चल रहे हैं ना, वो इस्तिखराजिया पैटर्न है। डिडक्टिव, ठीक है, बिल्कुल सही। मजा जल है, कोई गुफ्तगू करे तो गड्ढे दो चार बैठ के सोचे भी तो सही ना, बिल्कुल सही। क्या सुन रहा हूँ जी, अस्ताजा इकराम मित्रा मुराकबे जना के छे ना, परेशान हो रहे हैं बैठे हुए, कहां फंस गया हूं आज। तो समझा रही बात की, तो हम दलायल दे रहे हैं इस बात पर कि जिनको परवरदिगार करीम ने अंबिया के अहद का गवाह बनाया, उनके नॉलेज की वैलिडिटी क्या है। कि परवरदिगार करीम ने अपने अहद लेने का गवाह जिसे बनाया, अपने 1,24,000 कमो बेश अंबिया के अहद देने का गवाह बनाया, उसके अपने इल्म की वैलिडिटी क्या है। उसका अपना इल्म कितना वैलिड है, उसका अपना, उसका अपना इल्म कितना अथेंटिक है, उसका अपना इल्म कितना रिलायबल है, उसका अपना इल्म कितना डिपेंडेबल, कि जिस पर खुदावंद करीम ने अपने नबियों की नबूवतों का गवाह इसको बना के रख दिया, और जिस अपने नबियों की नबूवतों का गवाह और अपने अहद लेने का गवाह और अहद देने का गवाह जिसको बनाया, उसका इल्म कितना वैलिड है। सुभान सुभान, ये इस पर बात कर रहा हूं। तो परवरदिगार करीम ने जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम के अंदर अपनी रूह को फूंक दिया, पता नहीं कितनी बातें निकलती, लगा अपने हर में अपने जा सकता बाजार वाले करते हैं, वो किसी और ने फिर इस काम को ले। मुझे ये बताएं कि जब फरिश्तों ने दलील पेश की तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या किया, आदम से कहा तुम दलील लाओ, नहीं फरिश्ते दलील खुद लाए, इंसान की दलील रख लो। क्या बात है, ठीक है, इसके लिए कहना चाहिए या वकील हो हसबन अल्लाह व नेम वकील, ये माना है इसका कि बाप और परवरदिगार तुम्हारे लिए काफी है, तूने उस वक्त हमारी वकालत की जब हम भी सने शऊर में नहीं। अल्लाह अल्लाह, परवरदिगार करीम तेरे किस किस इंसान को याद करें कि जबकि फरिश्तों ने अपनी इबादत को बतौर दलील पेश किया, अपनी तस्वीर को, अपनी तालील को, अपनी तहमीद को, अपनी तकदीस को बतौर दलील पेश किया, तो तू हमारा वकील बन के गया, हसबन अल्लाह हो नेमल वकील। वाह, ये बात है इसका। सुभान, क्या बात। अब परवरदिगार हमारा वकील अल्लाह, परवरदिगार कितना खूबसूरत नज़्म, कितना प्यारा नज़्म, और हजरत शेख शाजिरी ने, हजरत शेख अबुल हसन शाजिरी रहमतुल्लाह, आपने एक किताब लिखी है, पूरी किताब इसी मौजू पर है, हसबन अल्लाह व नेमल वकील। आप बताते हैं औलिया की शमशीर है, जब मैदान बदर लगा और काफिरों के जिस्मों के परखचे सरजमीन बदर में देखे उठते हुए, घर में जाकर या वादियों में बैठ के सलाह करने लगे, तकाम कदा कदा रह गया,
तो फिर साहब ने कहा चलो फिर हमला करते हैं। ढीठ लोगों की आदत यही होती है ना, मार खा खा के फिर कहते हैं चलो फिर मारते हैं, फिर देख लेते हैं शायद कोई बात बन जाए। तो जब प्लानिंग की तो सरकार की बारगाह पाक में ये अर्जा पेश किया गया कि यार सुल्तान ये फिर लड़ाई का तो इरादा रखते हैं तो क्या हुक्म है। तो सरकार ने शाहबा कलम से मशवरा फरमाया, तो शाहबा ने क्या कहा था उस वक्त आय मारका उतरी थी, कालू उन्होंने क्या कहा सियाबा ने, सियाबा के अल्फाज हैं हसबन अल्लाह और अनेम वकील या रसूलल्लाह जान अज़र, ठीक है। क्यों कि सियाबा की रूहें बोल रही थी कि हमारा कोई साथ रहने वाला जब नहीं था, बस में मलाइका में हमारा एक जद्दे करीम मौजूद थे, तो हमारे हमारा साथ किसने दिया था, हमारे हाथ में दरी किसने दी थी। आप जब आप ये वजीफा पढ़े हसबन अल्लाह और अनेम वकील वाह मेरे परवरदिगार तूने हमारी वकालत फरमाई। अल्लाह पाक ने फरिश्तों ने अपनी दलील खुद पेश की, हमारी दलील हमारे परवरदिगार ने पेश की, हमारे वकील हम आता ही तेरे तेरे तवक्कुल पे, तवक्कुल वकील पर एतिमाद करना, तवक्कुल क्यों जनाब बाबे थोड़ा बाबे थोड़ा तवक्कुल वकील की तरफ दौड़ना। तो कहना आप मेरी बातें मेरा वकील ही करेगा, ठीक है। तो वह वही है तवक्कल अल्लाह फवा हस्बो, तवक्कल हस्बो काफी है, हस्बो अल्लाह व निअल वकील, इन दोनों की जोड़ है हस्बी अल्लाह ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु वहुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। कि तवक्कल का माना ये निकला कि जब कोई बात आ जाए परेशान महसूस करे कि ये मेरे बस से बाहर है तो खड़ा हो जाए, ऐ मेरे वकील ऐ मेरे परवरदिगार, ठीक है। अच्छा तो कोई और कोई आने पे पर समझ को नहीं कह पाएगी हमारा जो भी आयात है ना वही जता अल्लाह को इस तरह सारी आयात इकट्ठी करने का उनको बड़ा मजा आएगा। आप परवरदिगारे करीब उस रिश्ते अपनी दलील खुद लेके आए, हमारी दलील पर निगार करीम ने दी। उसके बाद और कि जब परवरदिगार पाक ने अपनी रूह डाली उस वक्त इल्म की बात नहीं की, इल्म की बात किस वक्त चढ़ी जब उसकी जरूरत पेश आई, बिल्कुल ठीक है, जब उस इल्म की जरूरत पेश आई और जरूरत किस वक्त पेश आई कि जबकि कंपटीशन सामने कंपेटिटर सामने आ गए, कंपेटिटर थे फरिश्ते, पर मुकाबला किससे था जो या तो पैदा हो चुका और अभी इन्फेंसी में है शोर में नहीं है या पैदा ही नहीं हुआ। अनबार को चैलेंज करना क्या ख्याल जो पैदा ही नहीं हुआ अभी कि आना तो उसे बना रहा है कि जो ये करेगा वो करेगा और कोई बेचारे को बनने तो दो। इसका मतलब कि इंसान की तख्लीक में जो पहली बात छिड़ी है वो फरिश्तों ने छिड़ी है, या इंसान अभी शऊर में नहीं पहुंचा और उस पर एतराज उठाया है तो फरिश्तों ने उसकी तख्लीक का मसला छिड़ा है। एतराज ना कहें क्योंकि फरिश्ता खुदा पर एतराज नहीं करता। अगर फरिश्ता एतराज करता है तो एक सूरत सामने आई कि जब फरिश्तों में कोई जिन गुस्सा हुआ हो, ठीक है, उनके अंदर उन फरिश्तों के अंदर एक जिन मौजूद था जो उन सबका उस्ताद था, अज़ाज़ील नाम था, खड़ा हो गया जब बहस चली। लेकिन ये बात उस वक्त चली जबकि इम्तियाज आदम के डिस्क्रिप्शन हो चुकी, उस वक्त बात चली ना कि आप तुम चूंकि हार गए हो क्या सजदा करो, ठीक है, बिल्कुल सजदा करना क्यों सजदे का ऑर्डर क्यों हुआ था, इसलिए तुम हार गए हो और हारे क्यों हो उससे पहले के एक स्टेज कि या तो ये इल्म असमा फरिश्तों के सामने उसको पैदा होने से पहले ही उसकी फितरत में वदियत रख दिया गया,
प्री नेटल स्टेज में, ठीक है, यानी इंसान अभी पैदा नहीं हुआ, पर परवरदिगार करीम को पता था कि इस पर इतराज होंगे और लोग इबादतों के ऊपर भी फरिश्ते नाज करेंगे, लिहाजा इसको पहले से ऐसा इल्म दे दो कि जिसके सामने इनको बेबस कर दिया जाए या बेबस होना पड़े। एक प्री नेटल स्टेट में नॉलेज का इल्का होना, कुरान रिजर्वेशन की आयत मुबारका इंसानी नॉलेज की जो प्री नेटल एग्जिस्टेंस या इन्फ्यूजन है, यानी पैदाइश से पहले इल्म का अता किया जाना, जो उसकी जो दलील है वो यह होती है। ठीक हो गया। नंबर दो, कि क्या ये इल्म परवरदिगार करीम ने तदरीजन अता फरमाया या स्पॉन्टेनियसली दे दिया? स्पॉन्टेनियसली, यानी बर्जस्ता तौर पर, फौरी तौर पर? बिल्कुल। समझने की बात है कि क्या परवरदिगार करीम ने ये इल्म जो है ये तदरीजन अता फरमाया या फिर फौर दे, स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस कहते हैं, स्पॉन्टेनिटी का मतलब होता है किसी शायद का फौरी तौर पर देना, फौरी एडवांस फौरी तौर, ठीक है, ये इल्म जो अल्लाह पाक ने इंसान को अता किया। आपका जवाब क्या है? सबका एकदम दिया, एडवांस दिया। अच्छा, तदरीजन इल्म क्यों सिखाया जाता है? एक और दलील, तदरीजन इल्म क्यों सिखाया जाता है? ताकि जब तक ताकि पढ़ने वाला साथ साथ उसको ग्रैस्प करने के पोटेंशियल को डिवेलप करता जाए। ये मेरी क्लास में पढ़ा हुआ शागिर्द है, लेकिन उसने हाल भी ज्यादा क्या क्या होगी, ये कॉलेज में मेरा पढ़ा हुआ शागिर्द है, लेकिन फ्री फ्री में मुगलिया ना घुमा देना ये आ रहा। अच्छा, अगे नहीं कह रही है, समझ आ रही है। तदरीजन नॉलेज क्यों मिलता है? कि उसके नॉलेज को समझने की सलाहियत आए फिर मिले। मसलन आपने कुरान अजीम शान की बलावत किसी को सिखानी है, तो उसको सबसे पहले तो आप सिखाएंगे ना अर्थ क्या होता है, नाजरा पढ़ाएंगे पहली स्टेज पर, नाजरा के बाद फिर उसको अरबी की बेसिक ग्रामर पढ़ाएंगे अगली स्टेज पर, उसमें सर्फ पहले पढ़ाएंगे अगली स्टेज पर, फिर नाव पढ़ाएंगे अगली स्टेज पर, उसके बाद फिर बलावत के रूम आएंगे, फिर आप उसको किसी काबिल बनाएंगे। कि तदरीजन पहली जमात से लेकर के एमए तक जब आप किसी को बचाना चाहते हैं तो हर स्टेज पर एक न एक लंबे पर उसके पोटेंशियल को, उसकी जो सलाहियत है उसको डिवेलप किया जाएगा, देखा जाएगा, चेक किया जाएगा, तब पास किया जाएगा। ठीक है, परवरदिगार करीम ने देखा कि इनकी रूह के अंदर वो पोटेंशियल मौजूद है कि जो इंस्टेंटेनियसली किसी नॉलेज को ग्रास्प कर सकता है, लिहाजा सारे के सारे उलूम असमा के, पूरी कायनात के सारे उलूम इंसान की फितरत में रखकर उसको ओमनिशियंट बना दिया। अब ओमनिशियंट की तारीफ यह है कि अपने इल्म के अंदर आने वाली चीज के मादे को जानता हो, नंबर दो अपने मादे के, अपने इल्म के अंदर आने वाली चीज की सूरत को जानता हो, नंबर तीन अपने इल्म के अंदर आने वाली चीज के काम को जानता हो, और अपने इल्म के अंदर आने वाली चीज के मकसद इंतहाई को, यानी उसके अल्टीमेट पर्पस को जानता हो। ठीक है, किताब तारीफात उठा के देखें कि किसी शय की जब आप तारीफ करते हैं तो उसमें आप चार चीजों को सामने रखते हैं कि इसमें इल्लत मादी क्या है, इल्लत सूरी क्या है, इल्लत फाइली क्या है, इल्लत लाई क्या है। बिल्कुल, चार चीजें डिस्क्राइब करेंगे तो ये चीज बनेगी डेफिनेशन। तारीफ, जब आप किसी शय की तारीफ करना चाहते हैं
डिफाइन करना चाहते हैं तो ये चार चीजों का वजूद बड़ा जरूरी है। इल्म आदम का एक इस्म अर्दा से इल्म आदम और एक इस्म दोनों की इक्वेशन लिया है सामने। इल्म आदम इस्म, इल्म आदम प्री नेचर स्टेट, इल्म आदम इंस्टेंटेनियस, इल्म आदम ये जानना कि यह चीज किस शय से बनी है, ये जानना कि जमीन किससे बनी है, ये जानना कि सूरज किससे बना है, ये जानना कि सितारे और कहकशाएं किससे बनी है, ये जानना कि जन्नत और दोज़ख किससे बने हैं, ये जानना कि फरिश्ते किससे बने हैं, ये जानना कि जिन्नात किससे बने हैं, कायनात में जो कुछ पैदा किया है जानना कि किससे बने हैं। यह इल्म आदम, इल्म खलीफा इलाही, यानी यह है खिलाफत इलाही। यह जानना कि जो चीज जिस चीज से बनी है सो बनी है, इसकी सूरत क्या होगी, किस चीज की सूरत क्या होगी, इल्मे इलाही। वाह क्या बात है। किस चीज की फॉर्मेशन कैसे होगी, इल्मे इलाही इलाही और इल्मे बंदा, अतिया इलाही इल्मे बंदा बंदा इल्मे आदम। और किस चीज की स्ट्रक्चर कैसी होगी, इल्मे आदम इल्मे फाइल। ये चीज क्या करेगी, ये सितारे क्यों बनाए, ये कहकशाएं क्यों बनाई, ये जन्नत और दोज़ख क्यों बनाए, ये तकदीरें क्यों बनाई। तकदीर का यूं सवाल अल्लाह के पास किसी को कोई नहीं है, तो काट के उलूंगा गौर तो काट। इसकी इसकी ये क्या करेगी, ये चीज लोह महफूज किस लिए बनाई है, कलम किस लिए बनी है, लोह किस लिए बनी है, सिदरा का दरख्त किस लिए बना है, और जमीन के ऊपर पानियों की कसरतें किस तरह फैलाई गई है, इसका इसका मकसद क्या है, और अल्टीमेट कॉज क्या है, मारफत इलाही। हर चीज की अल्टीमेट कॉज, उसके बनने वाले मादे से लेकर के जिस शय से वो बनती है, इल्म इलाही अल्लाह की जात तक वापस उसको पहुंचाना। दायरा बन गया, मौला तुझसे ही चला हूं तुझ तक पहुंचा के छोड़ूंगा, यह है इल्म इंसानी। अब एक छोटी सी मिसाल है, इल्म आदम जो मैंने डिफाइन किया चार कवायद की रोशनी में, सिर्फ चार बोल रहा हूं, एपिस्टिमोलॉजी एक इल्म है, एपिस्टिमोलॉजी एपिस्टिमोलॉजी इल्मुल इल्म, इल्मुल इल्म व्हाट इज नॉलेज, नॉलेज क्या है और उसकी तकसीम क्या है, ये पूरा एक इल्म है, इल्मुल इल्म भी एक इल्म है, तो दो एक अलग बात से है लंबी चौड़ी, मैंने आपके लिए आसान करके ही पेश किया। अब ये देखें कि इल्म इंसानी को डिस्क्राइब करके हम इस नतीजे पर पहुंचे कि इंसान को चार मेयारों पर जो पूरी किसी शय की इब्तिदा से इंतहा तक को कवर करते हैं देखा जाए तो वो इल्म है। अब एक अकीदा जो मिलता है बाजार से बहुत सस्ता मिल जाता है, बहुत आसानी से हर जगह पर मिल जाता है, उसकी वजह देखें अल्लाह के अलावा किसी को इल्म गैब नहीं है, ठीक है नहीं है, हम मान लेते हैं। तो हम आपकी बात आपके लिए मान लेते हैं कि नहीं है। अच्छा आप एक दरख्त है, उस दरख्त को बनाया किससे गया, इसका नाम दरख्त है, ठीक है शजर, जन्नत मिले से शजर है, किसने बना तकराबा हाज ही शजर था फतकू ना भी नजा भी नहीं जी कि तुम जन्नत में फिरो, लेकिन इस दरख्त के करीब ना जाना कि तुम हो जाओगे। हाँ तो ना समझने वालों में से नबी गजाले नहीं कहते, ना समझने वालों में से हो जाओगे। अच्छा अच्छा अगर
درخت کو دیکھا، اس کا نام شجرہ ہے، اور یہ نہیں پتا یہ بنا کس لیے، کس چیز سے بنا ہے، علت مادی غائب، اس کی سٹرکچر کس طرح کی ہے، اگر دیکھا تو بتا سکے گا، اگر نہیں دیکھا تو پتہ نہیں سٹرکچر کیسی ہے، اس کا مقصد کیا ہوگا وہ بھی نہیں پتا، اور اس کا مقصد انتہائی کیا ہوگا وہ بھی نہیں پتا. ایک بندہ، اس کے ہاتھ میں ایک پتھر ہے اور وہ خرچ کرے ہیرا ہے، یہ نہیں پتا یہ کیا چیز ہے، اس کو ویسے کس نے کہتا ہے ہیرا. اچھا، اب اس کو نہیں پتا ہیرا کیا شے ہوتی ہے، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے، کس چیز سے مل کر بنتا ہے، اس کی الٹیمیٹ قیمت کیا ہوتی ہے، وہ کیا کرے گا، اس کو ضائع کر دیں گے، کیونکہ اس کے پاس اس کا علم نہیں ہے. اس کا مطلب ہے علم نفع دیتا ہے اور جہالت نقصان پر جاتی ہے. اب آپ ہی بتائیں کہ علم انبیاء نافع ہے یا ناقص ہے؟ نافع ہے. علم نفع پہنچاتا ہے. ایک ہیرا 1 کروڑ روپے کا بک سکتا ہے، اور ایک جاہل ایک ہیرے کو ایک ہتھوڑی مار کے توڑ سکتا ہے، ذرے ذرے کر کے پھینک سکتا ہے. کسی نے دیکھا کہ ایک شخص کی جھولی میں پارس پڑے ہوئے تھے اور وہ اس سے چڑیاں اڑا رہا تھا. کسی نے کہا ظالم کیا کرتے ہو، آگے دریا ہے، درمیان میں درخت ہے، ادھر سے مار رہا ہے، پارس دریا میں گر رہے ہیں، اسے جا کر اس کی جھولی سے وہ کھینچا اور کہا یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا یہ کیا ہے؟ تم کہو ایک وقت پارس سے قدم ہو کیا ہوتا ہے. کوئی جا رہا تھا، اس کے پاس ایک لال تھا، اس نے لاکھوں کروڑوں کا لال کہیں سے خریدا، وہ کہیں گم ہو گیا اور کسی گدے والے کی مل گیا، اور اس نے گدے کے گردن میں ڈال دیا، جس کا لال تھا اس کے ہاں سے چلا گیا، اور گدے والے کو مل گیا، اس نے اس کو گدے کے گلے میں ڈال دیا. اب وہ لال گدے والا لے کر کے ایک دریا کے کنارے پر پہنچا، وہاں پر اس کی کشتی تھی، آر پار لوگوں کو لے جاتا. اس کشتی پر بیٹھنے کے لیے ایک سوار آیا، تو اس نے دیکھا کہ اس گدے کے گردن میں وہ دال پڑا ہوا ہے. اس نے کہا یہ گدے جو ہے، یہ تمہارا یہ جو چیز پڑی ہوئی ہے یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ اس نے یہ پتھر یہ. اس نے کہا یار یہ مجھے دے دو. کہا لے لو. اس نے وہ لال لے لیا اور کچھ 2 اشرفیاں یا 2 درہم یا 2 دینار اس کو دے دی. تو کہتے ہیں کہ لال پھٹ گیا اور اس سے آواز آئی کہ وہ تو گدے والا تھا، یا جس کے گردن میں پڑا تھا وہ تو گدا تھا، تو گدا نہیں تھا، وہ میری قیمت نہیں جانتے تھے دونوں، تو میری قیمت جانتا تھا، میں اس لیے پٹاؤں کہ جاننے والے میری یہ قیمت نہ لگائے. ٹھیک ہے، بالکل صحیح. یہ فرق ہے علم میں اور جہالت میں. جہالت جس کو کسی شے کی صورت مادی کا علم نہ ہو، مادے کا علم نہ ہو، جس کو کسی شے کی صورت اصلیہ کا علم نہ ہو، جس شخص کو کسی شے کی علت فاعلی کا یعنی اس کی فعلیت کا علم نہ ہو، اور جس کو اس کی الٹیمیٹ کاز یعنی انتہائی مقصود کا علم نہ ہو، وہ اس کی کرے گا بے ادبی، کہلائے گا جاہل. اب اس مقام پر پہنچ کر 2 کیٹیگریز بن گئی، علم رکھنے والے، فائدہ حاصل کرنے والے، فائدہ پہنچانے والے، فائدہ سمجھنے والے. دوسرا، علم نہ رکھنے والے،
फायदे को न समझने वाले, कीमत को न समझने वाले, शक को मकसद इंतहा तक न पहुंचाने वाले, अब अपने अपने अकीले को इस मिजान पर रखकर तोल ले जिसकी मर्जी है, मुकद्दर अपना अपना आजमा ले जिसका ये चाहे। खुदावंद करीम ने अशिया का कुल्ली इल्म फितरत आदम में इंस्टेंटेनियस तौर पर रखकर इंस्टेंटेनियस यूज के लिए दे दिया था, ये लो जब जरूरत पड़ेगी तो तुम क्या देना कि कुन फाया कुन ते कल देगा, क्या बात, ठीक है, इंस्टेंटेनियसली मिलने वाला इल्म इंस्टेंटेनियसली कन्वे भी हो सकता है। उसके बाद जब खुदावंद करीम ने ये इल्म इंसान को अता किया तो इंसान ने डिमांड किया था नहीं, वकालत वाली बात होगी ना, क्या इंसान ने ये इल्म डिमांड किया था नहीं, डिमांड शौरी चीज है, डिमांड शौरी चीज है जिसका सबसे बड़ा हथियार दुआ है, और बगैर डिमांड के लाशऊर में मिल जाना इसका नाम है मोहिब्बत, ठीक है, मोहिब्बत, यानी बतौर वहाब बिन मांगे देना, ठीक है। विलायत की अब होगी किस्में तीन, विलायतें मोहबी या विलायत वहबी, विलायत कस्बी और अचानक मिलने वाली विलायत, विलायत अताई, यानी कोई बड़ी खुश हो गए, ठीक है, तो कहा ये लो बड़ी विलायत, विलायत अताई, विलायत इक्तिसाबी, यानी मेहनत की मेहनत की मेहनत की मेहनत की मेहनत की और दुआएं मांगी और कोशिश की और तदरीजन वाली बन गया, और एक है पैदाइशी विलायत, ठीक है, विलायतें वह भी, जब जद्दे करीम में इंसानियत को बनाया गया तो विलायतें वह भी उसकी फितरत में रख दी गई, कायनात की हर शय अनकॉन्शियसली उसकी फितरत में रख दी गई। अब जो शख्स उन जमानों तक ट्रैवल कर जाए कि जिन जमानों में परवरदिगार करीम ने ये इल्मे अस्मा उसे अता किया था, तो उन जमानों में फिर वो रब की अहद लेने का गवाह भी है और अंबिया के अहद देने का गवाह भी है, रब के उस सवाल का गवाह भी है अलस्तो बिरब्बिकुम और कालू बला का गवाह भी है, कहा मैंने कहा था कि तू हमारा रब है। अब अगर इस मेयार को रखा जाए सामने, जिस मौजू पर माना है, अगर इस मेयार को रखा जाए सामने, तो इंसान की फितरत में पूरी कायनात का इल्म है, बिल्कुल, उसके ऊपर कोड्स लगा दिए गए हैं, उसके ऊपर कोड्स लगा दिए हैं, जिनमें से पहला कोड पैदाइश है, दूसरा कोड फिर कायनात के अंदर मुख्तलिफ चीजें हैं, और दूसरा कोड उसका शरूर है, पहला कोड उसकी बर्थ है, दूसरा कोड उसका शरूर है, बाज मकामात पर तीसरा कोड उसकी बलूगत है, चौथा कोड उसकी डेथ है, बाज उलूम ऐसे जो आसिन ही डेथ के बाद होते हैं, डेथ से पहले आसिन हो ही नहीं सकता, ठीक है, उस एक डेथ के बाद कि जिसको हम सामने रखें, ये कोड्स अगर हटा दिए जाए, यानी इंसान अगर मौत का बैरियर क्रॉस करके पीछे निकल जाए, इंसान अगर पैदाइश का बैरियर क्रॉस करके और पीछे निकल जाए, तो इंसान उन उलूम तक रसाई हासिल कर सकता है जो परवरदिगार करीम ने फरिश्तों के सामने इंसान को बतौर फख्र अता फरमाए। गोया अब एक इक्वेशन ये बने, इल्मे इंसानी इफ्तिखारे इलाही, क्या बात है, इल्मे इंसानी नाज़े इलाही, सुभान, इल्मे इंसानी फख्रे इलाही,
ठीक है, अब इल्म इंसानी को न मानने वाले, इल्म इंसानी की बात कर रहा हूं, देखिए इल्म इंसानी फख्र इलाही, इल्म इंसानी वकालत इलाही, इल्म इंसानी इफ्तिखार इलाही, इल्म इंसानी नाज इलाही, सुभान, जिसके सामने फरिश्तों को अल्लाह करीम ने लाजवाब करके रख दिया। उसके बाद देखें फरिश्तों की जमात में एक घुसा हुआ था जो उनमें से नहीं था, ठीक है, शायद फरिश्तों ने कभी जानने की कोशिश भी ना की हो कि कौन है तेरे अबो जान, किस कबीले से है तू, खुद ही बोल पड़ा खलकता नहीं मैं नार इन खलकता हूं मैं तीन अनाखार हूं मैं, कि मौला करीम मैं इसको सजदा क्यों करूं, मुझे तूने आग से बनाया है और इसे मट्टी से बनाया है, मैं इसे दलील दी किस चीज की, पैदाइश की, कि मेरी पैदाइश का ये अंसर, उसकी पैदाइश का ये अंसर उनमें से नहीं था ना, बिल्कुल उनमें से नहीं था, उनमें गुस्सा हुआ था, चक्कर का रहा, इसका मतलब है जिन ऐसे खबीस होते हैं कि जिन्हों को मलाइका को भी चक्कर दे जाते हैं इंसानों को नहीं देंगे, बिल्कुल सही, ठीक है, इस तरह नजर बताता हूं, उनमें से वो जिन के जो ईमान लाए और नेक अमल किए और अल्लाह के दोस्तों के साथ मिलकर अल्लाह के दोस्त बन गए, 800 अंबिया भी इनमें गुजरे हैं, सबके साथ इन्होंने शेयर की, तो इसका मतलब है कि जिन बतौर जिन निहायत अनरिलायबल किस्म की चीज है जब तक कि वो कलमा ना पड़े, इस्लामिक वर्ल्ड में ऐसे जिनों का कि जो शरारती किस्म के जिन हो जबरदस्त इलाज बन गए, अल्लाह के अस्मा में से एक इसमें या कहार भी है, जहां पर या कहार पड़ा जाएगा वहां का जालिम जिन जला दिया जाएगा, जिन्नात की दुनिया में तबाही और बर्बादी फैलाने के लिए या कहार, ये जिमन बात आ गई है, इस इसमें पाक को अच्छी तरह ध्यान रखिए कि या कहारों से पूरी दुनिया के जिन्नात को मसफर किया जा सके, पूरी दुनिया के जिन्नात को काबू किया जा सकता है और पूरी जिन्नात दुनिया के जालिम और गासिब जिन्नात को तबाह किया जा सकता है, अल्लाह करीम ने अपना या कहार इसमें भाग देकर हम पर बहुत 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 बड़ा एहसान फरमाया, जहां कहीं कोई शरारती जिन्नात आए या खतरा हो यहां पर शरारती जिन्नात होंगे तो वहां पर आप ये इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, आदतन नहीं इस्तेमाल करना क्योंकि ज्यादा जलाली भी है इसके कुछ शराइत भी है, ठीक है, तो अब देखना यह है कि रूह इंसानी पर इतनी बहारें, रूह इंसानी पर इतनी बरकतें, रूह इंसानी पर इतने इनामात, तो रूह अंबिया पर क्या नहीं है, अल्लाह, और रूह सैयदुल अंबिया पर क्या बात है, तो अर्ज करने का मकसद यह है कि एक कुरान पाक का शौरी मुताला है और एक कुरान पाक का लाशौरी मुताला, मुताला उस लेवल का कि जब इंसान की रूह इन कोड से निकल जाए, बर्थ का कोड, प्यूबर्टी का कोड, ठीक है, द कोड ऑफ प्यूबर्टी, डेथ का कोड, कॉन्शियसनेस का कोड, ये चार बड़े कोड सामने रखें, जब इंसान इन कोड से में से निकल करके और सेंसेस के कोड में से, ये हर एक सेंस कोड है ना, बिल्कुल, जो विजन से परे है वो इस कोड से परे, जो स्मार्ट से परे है वो उस कोड से परे, जो टच से परे है वो उस कोड से परे, जो स्मेल से परे है वो उस कोड से परे, ठीक है, तो इन पांच उसमें से सबसे ज्यादा कमी जो है वो स्मेल है, सुनने की कोड, तो ये इसकी इसका जो दायरा अमल है वो सबसे ज्यादा लेकिन बारह भी इसका एक ऑर्डर निजाम है, ठीक है, अब इन कोड से निकल के आगे कोड आता है कल्ब का,
एक वो कोण है जो इस स्कल्प के सीने के अंदर है, इसे निकल जाओ। फिर दूसरा कोण है जो इस बॉडी के बाहर है, ये बॉडी उसके अंदर है, लेकिन जिसका अंडे का नहीं होता वो छलका, उस कोण उसके उसकी तरह का, ये भी एक कोण है, इस कोण को भी तोड़ो निकल जाओ। फिर जमीन का मदार भी एक कोण है, उससे भी निकल जाओ। और फिर पूरे सूरज की जो प्लैनेटरी निजाम है, जो ग्रेविटेशनल सिस्टम है, वो भी एक कोण है। यहां मैं आपको एक नुकता अर्ज कर रहा हूं कि जब कोण खुलता है तो दिल की निगाह अगले कोण में से सारे उलूम को देख लेती है। यानी जब तक दिल का कोड नहीं खुला इंसान को अंदर का भी नहीं पता, जब पहला कोड खुला तो अंदर में कुछ नजर आना शुरू हो गया, ठीक है। जब बाहर का कोड खुला यानी बॉडी वाला, तो इंसान को अपने गिर इंसान को अपना औरा नजर आना शुरू हो जाएगा, निगाह किसके होगी कल की। अंदर का कोड खुला तो अंदर देखना शुरू कर दिया, निगाह किसकी होगी कल की। जब बाहर का कोड खुला तो निगाह किसकी होगी कल की। फिर जब कल्प अपने इस अंदर से बाहर निकला, इस अपने इस होल से सीने के होल से बाहर निकला, तो बाहर जिस जोन से, जिस बाउंड्री से, जिस एरिया से उसका कनेक्शन होगा, उसके कोरोना के अंदर उसका इल्म डर जाए। बिल्कुल सही। अब बस मुश्किल है, कोरोना प्लस मुश्किल आ गया, मुझे पता है। जी अभी आप कोरोना की दृष्टि कर लेंगे? नहीं। जब कभी सितारों को ग्रहण लगता है, आप देखते हैं उनके गिर एक हाला सा बन जाता है जी, ठीक है। वो हाला किसकी रोशनी है? उन्हीं की। यानी किसी शय की रोशनी के मुताबिक उसकी रिफ्लेक्शन का आ जाना, ये इसको कोरोना कहते हैं, ठीक है। जिसकी मामूली सी मिसाल है कि सूरज के सामने शीशा रख दें, ये सूरज तो नहीं लेकिन सूरज का कोरोना आप इसको कह सकते हैं। अगर से ये ज्यादा मुशाबहत सूरज से रहता है, कोरोना जरूरी नहीं कितना मुशाबे हो, लेकिन उसी तरह का होगा। यानी जिस तरह उसकी रोशनी से इसकी रोशनी मुताबकत रखती है और उसको इस तरह सर्कमस्क्राइब कर लेती है, इसको कहते हैं कोरोना। दिल जब अपने अंदर से निकलकर बाहर के खोलों में आ जाता है, बाहर के कोडल वर्ल्ड में आ जाता है, तो उसका कोरोना, दिल का कोरोना उस कोरोना से मिल जाता है। बिल्कुल समझ आ रही? जी जी। यानी दिल फैल जाता है, जाहिर छोटा सा दिल जो एक इंसान के अंदर है, जब वो पूरी जमीन को मोहित हो जाए, पहले उसके बॉडी को मोहित हो जाए, तो उसको कोरोना, बॉडी का कोरोना ज्यादा था, बॉडी के कोरोना को ओरा कहते हैं, ठीक है। जब बदन से बाहर निकला अर्थ का, तो कल्प ओरा बन गया, दोनों का सर्कमफ्रेंस एक, दोनों की लंबाई चौड़ाई एक, दोनों की निगाह एक, दोनों का अरूम एक। जब इससे बाहर निकला तो जिस सर्कल में जाएगा उस सर्कल के मुताबिक उसका कोरोना फैलता चला जाएगा, बड़ा होता चला जाएगा, मैग्नीफाई होता चला जाएगा, ठीक है। जब ये पूरी कायनात तक फैलेगा तो पूरी कायनात का कोरोना इंसान के सामने है। किसी इंसान ने कहा था, नजर तो इला बिला दिल्ला हिजम कखर दलतिन आला हुक्म तिसाली, कि मैंने सारी रुबे जमीन के शहरों को यूं देखा कि जिस तरह खरदल के दाने को, राई के दाने को हथेली पर रख के देख लिया जाए, उसके कल के कोरोना की हालत आप अंदाजा कर। और जिसने ये कहा था कि 14 तबक दिल है दे अंदर, उसके कल के कोरोना की हालत कहां जा पहुंची होगी। जब एक आम इंसान के कल्प का कोरोना
اس کی فزیکل باڈی سے نکل کر پوری کائنات کے علم پر محیط ہو جائے. ہر انسان کی بات کر رہا ہوں کہ جب قلب کی دنیا سے چلے گا تو کائنات کو کون نہ بنا کے رکھ دے گا اپنے قلب کا. قلب گرد دل زندانی آپ و گلس ارحما آفاق آفاق کے دلس. اگر سے دل آپ و گل کا اسیر ہے لیکن یہ آفاق جو ہیں یہ دل کے آفاق ہیں. خودی کی خلوتوں میں کبریائی, خودی کی جلوتوں میں مصطفی, زمین و آسمان و کرسی و عرش خودی کی زد میں ہے ساری ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ خودی کیا ہے؟ قلب کا کرونا ہے, کرونا کرونا. ٹھیک ہے, کرونا نہیں کرونا. ٹھیک ہے, قلب کا کرونا ہے. قلب کی ریفلیکشن ہے جو کائنات کے اندر ہے, یا کائنات کی ریفلیکشن ہے جو قلب کے اندر. ٹھیک ہے, یہ عام انسان کی بات کر رہا ہوں. کجا علوم انبیاء, اب ہم نے کیا سوچ ابتدا کہاں سے کی تھی کہ قرآن عظیم الشان کا نزول ترتیبی کرونولوجیکل آرڈر, قرآن عظیم الشان کا نزول توقیفی اور قرآن عظیم الشان کا نزول محمدی. وہ ایک لمبی بات چل جائے گی نا, تو سمجھ آئی بات کی. اب نزول قرآن کا ایک ایسا چیپٹر بھی ہے کہ جب فطری طور پر جبلی طور پر پوری کائنات کے اسماء کا علم جناب آدم علیہ السلام کی فطرت میں رکھ دیا گیا, اس کا مطلب ہے تمام الہامی کتابیں, تمام علوم معرفت, تمام علوم تخلیق, تمام علوم تکوین, تمام علوم موجودہ فطرت آدم میں رکھ دیا. اب جناب سید آدم علیہ السلام و تسلیم کا علم جناب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پاک کے سامنے اس طرح ہے جس طرح سمندر کے سامنے قطرہ بن کے مثال دی ہی نہیں جا سکتی. علم نبوت کی انتہا کہاں ہے کوئی سوچ سکتا ہے؟ تو فکر نبوت نے کیا محسوس کیا کہ مولا کریم میرا کعبہ ان سے الگ کر دے. قلب نبوت میں یہ بات آئی اور پروردگار کریم نے نماز کے اندر ہی فرمایا فول وجہ کا شطر المسجد الحرام, کہ محبوب اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر لے, کہ ہم تیرا چہرہ آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. یہ ایک بڑا خوبصورت چیپٹر ہے لیکن اس کو ہم کسی بات میں ٹیک اپ کریں گے. آج اصل میں مجھے ان آیات کریمہ کا سننا اور سرکار کا قبلہ بدلوا لینا یہ ایک عجیب و غریب عنوان لگا مجھے, تاکہ جس طرح تیری ذات میں عبادت ہے, میری ذات میں عبادت ہے, ہماری عبادات میں بھی ایک عبادت آ جائے. کیا بات ہے, بالکل ہم ہر لحاظ سے پیورٹی کی سطح پر چل جائیں کہ جس کعبے کی ہم بات کرتے ہیں, جس کعبے والے کی ہم بات کرتے ہیں اس کو صحیح معنوں میں سبحان رب کرم العزت اما یصفون کی صورت میں ہم نے تو علوم نبوت کا کعبہ بدلانا سرکار علیہ السلام کا کعبہ شریف تحویل قبلہ ہے. یہ جو ٹاپک ہے یہ کوئی معمولی ٹاپک نہیں ہے, روحانیت سے اس کا بہت گہرا تعلق ہے, نہایت گہرا تعلق ہے. اس پر جتنا بھی آپ غور کریں گے آپ کو علوم بصیرت ملتے جائیں گے. لیکن میں نے جس بات پر آج استدلال کیا ہے وہ یہ ہے کہ علم نبوت کی کوئی انتہا نہیں, کوئی پیمانہ آج تک ایسا دریافت نہیں ہوا جو علوم نبوت کو احاطہ کر سکے, علوم انسانی کا احاطہ کر سکے, بلکہ یوں کہنا چاہیے اور انبیاء کرام ان سب کے شہنشاہ, ان کے علوم ان سب کے شہنشاہ. لیکن یہ کیا وجہ ہے کہ ان کو بعض چیزیں فراموش کرا دی جاتی ہیں؟ یہ کائنات کو کوڈل سسٹم میں رکھا گیا, ورنہ کائنات کی تخلیق کی اگر ازلی اولیت جلدی کسی شے پہ پڑے تو اس کے وجود سے فنا میں تبدیل. سرکار علیہ السلام تسلیم کا
کسی شے سے ظاہری طور پر بے توجہ ہو جانا سرکار کا عدم علم نہیں ہے. عقیدہ یہ نکلا کہ وہ کوڈل سسٹم کے تحت سرکار کی توجہات کا معاملہ ہے. ورنہ اگر سرکار مکمل توجہ فرمائے تو ایک لمحے سے کے اندر اندر سارے کوڈز کو بائی پاس کر کے سرکار کی نگاہ کریم بنا لے اولین پر جا پہنچتی ہے جہاں پر تخلیق آدم اور تخلیق کائنات کی. اس میں ابھی آسان یہ کہ علم انسانی لا محدود ہے. جہاں محدودیت آئی ہے وہ ان کوڈز کی وجہ سے آئی ہے. شکر ہے کمپیوٹر کا دور ہے, کوڈز سے بہت ساری باتیں سمجھ میں کائنات میں جہاں پر بھی کوئی بیریئر کریٹ کیا گیا وہ اس زون میں زندہ رہنے کے لیے کیا گیا, ورنہ زندگی پھیلتی جاتی ہے. جتنے کوڈز اٹھتے جاتے ہیں اتنی زندگی پھیلتی جاتی ہے اور اس زندگی کا شعور کم اور دوسری زندگیوں کا شعور زیادہ ہو جائے. اور اگر وہ شعور نبوت اگر اجاگر ہو جائے تو وہاں ہم لوگوں کی ہوش اڑ جائیں. ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ تجلی نبوت مصطفیٰ کہاں کہاں تک. مالینا نبی رات باقی